हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कोडिंग स्टैक। मेरा नाम है यश और आज हम लोग करने वाले हैं नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स के ऊपर प्रॉब्लम्स। वो हमारा बेसिक लूप से होता है, इसलिए मैंने पहले आपको करवाया नहीं था, पर मैंने ऑलरेडी एक नंबर सिस्टम का कन्वर्जन कैसे करते हैं, क्या क्या स्टेप होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में, जैसे कि डेसिमल को बाइनरी में करते हैं अपने, जैसे जैसे कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वाइस वर्सा, या फिर हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में या डेसिमल नंबर में कैसे करते हैं। सेम गोज फॉर ऑक्टल नंबर टू बाइनरी एंड ऑक्टल टू डेसिमल और एनी अदर नंबर सिस्टम। तो ये सब हम आज करने वाले हैं। चलिए हम जो पहला जो करेंगे वो होता है हमारा डेसिमल टू बाइनरी। अब जिसको पता नहीं कि कैसे कन्वर्ट करते हैं वो जाके मेरा वीडियो देख ले, इधर आई बटन में आ रहा होगा, जाके देख लेना उसको और उसके बाद आके यहाँ से वीडियो कंटिन्यू करना। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यूज़र से इनपुट लेना है हमारा डेसिमल नंबर। तो हम यूज़र के लिए एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं। मैसेज क्या होगा, एंटर अ डेसिमल नंबर, एंटर अ डेसिमल नंबर। उसके बाद हम एक नंबर लेंगे इंट एन इक्वल्स टू एसी डॉट नेक्स्ट इंट। ये मैंने आपको इनपुट आउटपुट की क्लास में बताया था कि स्कैनर और बफर कैसे यूज़ करते हैं हम, तो उसको आप देख लीजिएगा। अब डेसिमल टू बाइनरी कैसे करते हैं, तो ओके, तो उसके लिए हम पहले एक लूप बनाते हैं, हम वाइल लूप बनाते हैं, वाइल एन एस ग्रेटर दैन ज़ीरो। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक हम स्ट्रिंग बना लेते हैं ताकि हम नंबर स्टोर करते जाएं। स्ट्रिंग एस टी आर इक्वल्स टू नथिंग, देन हम क्या करेंगे, हमें रिमाइंडर स्टोर करना रहता है। हम डेसिमल नंबर को बार बार टू से डिवाइड करते हैं बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसको भी हम टू से बार बार डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा फिर, इंट टेम्प इक्वल्स टू एन मॉड टू। अब इसमें इससे क्या हुआ, हमें हमारा रिमाइंडर मिल गया। रिमाइंडर क्या बचा, अब उसको हमें स्टोर करना है, तो हम स्ट्रिंग में स्टोर कर रहे हैं, स्ट्रिंग इक्वल्स टू टेम्प प्लस इक्वल्स टू एस टी आर। इसमें हम स्टोर करते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, और अब हम एन को अपडेट करेंगे एन बाय इक्वल्स टू टू। तो अब हमारा ये हो गया है, पर अब इसको आप जब प्रिंट करोगे तो ये जो हमारा आउटपुट देगा वो गलत देगा। अब ऐसा क्यों देगा, क्योंकि हमने जब कन्वर्जन देखा था तो हमने देखा था कि नीचे से ऊपर वाला जो रिमाइंडर होता है हमें वो प्रिंट करना है, पर हमने इधर स्टोर किया है ऊपर से नीचे वाला, तो उसको फिर हमें रिवर्स करना पड़ेगा, स्ट्रिंग को रिवर्स। एक्चुअली में देखा जाए तो अब इसको हम प्रिंट करेंगे तो कैसे प्रिंट करेंगे, हमें रिवर्स में प्रिंट करना है। फॉर इंट आई इक्वल्स टू ज़ीरो इक्वल्स टू एस टी आर डॉट लेंथ माइनस वन कॉमा आई शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो कॉमा आई माइनस माइनस, देन सेस आउट एस टी आर डॉट कैरेट आई। तो इसको रन कर लेते हैं, उसके पहले इधर एक मिस्टेक हो गया, इसको ऐसा लिखना होगा, ठीक है प्रिंट। तो इसको रन कर लेते हैं, उसके पहले इधर मैंने एक मिस्टेक कर दिया था, इधर टेम्प होगा टेम्प, तो इसको रन कर लेते हैं। हमारा नंबर है टू, तो 10 प्रिंट हो गया। अब हमारा नंबर है फाइव, तो 101 प्रिंट हो गया, और हमारा नंबर है 30, तो ये हमारा प्रिंट हो गया है। 2 प्लस 4 6 प्लस 8 14 प्लस 16 इज 30, तो हमारा सही नंबर आ रहा, 9 ले लेते हैं, तो 8 प्लस 1 इज 9, तो ये हमारा सही से प्रिंट हो गया है। अब बात कर लेते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर दे रखा है और उसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करें, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, एक स्ट्रिंग बना लीजिए, उसमें आप स्टोर कीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी कैपिटल ई, और इधर जो हम लेंगे वो हमारा होगा एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग
एस स्ट्रिंग हेक्स ले लेते हैं। स्ट्रिंग हेक्स में हमने हेक्साडेसिमल नंबर इनपुट कर लिया यूज़र से, और अब हम एक स्ट्रिंग बनाया है जिसमें हमने ये सारे नंबर स्टोर किया है। इसमें एफ भी स्टोर हो गया, एफ का मैं करना भूल गया। ये ज़ीरो इसीलिए स्टोर किया है क्योंकि आपको याद होगा कि स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग ज़ीरो से है, तो जो भी पहला कैरेक्टर है वो ज़ीरो है, तो हमें ज़ीरो की ज़रूरत है नहीं। पर बाकी नंबर्स का इंडेक्सिंग सही से हो इसलिए हमने ज़ीरो उधर ऐड किया है। उसके बाद हम क्या बनाते हैं, एक इंट वेरिएबल बना लेते हैं, इंट वैल नाम से, वैल इक्वल्स टू ज़ीरो, जिसमें हमारा डेसिमल नंबर जो स्टोर होगा वो इस वैल में स्टोर होगा। अब उसके बाद एक लूप है फॉर इंट आई इक्वल्स टू ज़ीरो, आई शुड बी लेस देन एन सॉरी हैक्स डॉट लेंथ, जितना लेंथ होगा कॉमा आई प्लस प्लस। उसके बाद एक हम कैर नाम का वेरिएबल बनाते हैं, कैर सी एच इक्वल्स टू देन हैक्स डॉट कैरेट, हमने स्टोर कर लिया आयत इंडेक्स पे कौन सा कैर है। अब उसको चेक करना है कि वो स्ट्रिंग में कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है, तो मैंने बताया था इंडेक्स चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, तो इंट डी इक्वल्स टू या फिर इंट इंडेक्स ले लो, इंट इंडेक्स इक्वल्स टू एस टी आर डॉट इंडेक्स ऑफ सी एच, हमें इंडेक्स मिल गया। अब क्या करेंगे, हम डी में उसको ऐड करेंगे, डी इक्वल्स टू सॉरी हम वैल्यू में उसको ऐड करेंगे, वैल इक्वल्स टू डी इंटू 16, डी तो हमने हटा दिया, तो इंडेक्स इंटू 16 प्लस वैल इट्सेल्फ सॉरी वैल इंटू 16 प्लस इंडेक्स। अब इसको आप प्रिंट कर लो, सिस आउट वैल को आप रन कर लो, हेक्साडेसिमल है तो आप ले लो 32 सी ए एंटर, तो ये हमारा ये हो। इसको आप गूगल गूगल में चेक कर लेते हैं, हम हेक्साडेसिमल नंबर क्या था हमारा 32 सी ए, कन्वर्ट तो हमारा डेसिमल नंबर आया 13002, और हमारा आउटपुट क्या था 13002, तो हमारा हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट हो गया है। अब सेम आप अगर ऑक्टल से डेसिमल में करना चाह रहे हैं तो भी यही प्रोसेस है, बस 16 की जगह 8 हो जाएगा। और अब आप अपने से खुद भी ट्राई कीजिए घर पे बैठ के, कि हर एक नंबर सिस्टम को जैसे मैंने बताया था आप ट्राई कीजिए, ऑक्टल को हेक्सल में करना है, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में करना है, या फिर बाइनरी को हेक्साडेसिमल में करना है, ये सब आप घर पे बैठ के ट्राई कीजिए। मैंने सबका स्टेप अपनी वीडियो में बता के रखा है, आपको उसको देख लीजिएगा, उसके बाद आप ये सब सवाल सॉल्व कर लीजिएगा खुद से प्रैक्टिस के लिए। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे मेथड्स फंक्शंस के बारे में, और फिर हम बात करेंगे आपका एरेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एरेस, और इसमें सवाल भी बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल होते हैं, हम लोग लीट कोड के कुछ सवाल करेंगे इसमें। बाकी आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसमें आपको रिप्लाई दे दूंगा। बाय बाय।